अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन्फिनिटी प्लस। आज से हम सब्जेक्ट टोपोलॉजी पर अपने लेक्चर सीरीज का बकायदा आगाज करने जा रहे हैं और ये हमारा टोपोलॉजी के सब्जेक्ट पर फर्स्ट लेक्चर है। इस लेक्चर में हम इब्तदाई तौर पर डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू टोपोलॉजी। इंट्रोडक्शन टू टोपोलॉजी। अब इस लेक्चर में हम बेसिकली कुछ बुनियादी क्वेश्चंस का आंसर करेंगे जो कि अक्सर स्टूडेंट्स का होता है। पहला क्वेश्चन है, अक्सर स्टूडेंट ये पूछते हैं, सर व्हाट इज टोपोलॉजी? व्हाट इज टोपोलॉजी? टोपोलॉजी है क्या? दूसरा क्वेश्चन ये होता है, ये मैथमेटिक्स की कौन सी टाइप है? व्हिच काइंड ऑफ मैथ इट इस। और तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स का होता है, सर हमें अक्सर यही कहा जाता है मैथमेटिक्स का कहीं पर कोई इस्तेमाल भी है, तो मैं आपको इसका आंसर ये बताऊंगा आज की इस लेक्चर में कि एप्लीकेशन ऑफ टोपोलॉजी। क्योंकि अक्सर मैथमेटिक्स के स्टूडेंट से ये क्वेश्चन किया जाता है कि मैथमेटिक्स को प्लस माइनस के अलावा भी कहीं यूज किया जाता है, तो इंशाल्लाह जल्द इसका आंसर भी मैं यहां पे करूंगा। चल डिस्कस करते हैं पहले व्हाट इज टोपोलॉजी। टोपोलॉजी क्या है? इन मैथमेटिक्स topology word is a combination of two word, combination of two words. वो कौन कौन से word है जिसका ये combination है? Number one पे है topos और दूसरा है logy. ये जो topology है basically ये दो अल्फाज का मजमुआ है, उनमें से एक है टॉपस और दूसरा है लॉजी। अच्छा, अब टॉपस के मीन है, टॉपस की मतलब है हमारे पास प्लेस, वेट, टॉपस मीनिंग प्लेस और लॉजी मीन स्टडी। तो अगर हम दोनों को कंबाइन करें तो हमारे पास बनेगा स्टडी ऑफ प्लेसेस। अब मतलब क्या है प्लेसेस का? आप दूसरे अल्फाज में यूं कह सकते हैं कि ये जो टोपोलॉजी है ये बेसिकली है स्टडी ऑफ शेप्स, या जिस तरह मैंने पहले बताया इसका मतलब क्या है, स्टडी ऑफ प्लेसेस। तो ये टोपोलॉजी का मतलब। अच्छा डियर स्टूडेंट, अब यहां पे किसी स्टूडेंट का ये क्वेश्चन आ सकता है, सर अगर टोपोलॉजी है स्टडी ऑफ शेप्स तो फिर ये ज्योमेट्री ना हुई? इसका मतलब ये तो फिर एक ज्योमेट्री की टाइप ही है। तो मैं यहां पे आपको ये बताऊंगा, ये ज्योमेट्री नहीं है। अब आप कह सकते हैं सर वो कैसे, क्योंकि बेसिकली टोपोलॉजी तो है हम कह रहे हैं कि स्टडी ऑफ शेप्स, और ज्योमेट्री में भी हम डिफरेंट शेप्स को ही डिस्कस करते हैं, तो फिर टोपोलॉजी और ज्योमेट्री में डिफरेंस क्या है वो फिर एक्सप्लेन करें सर। कोई स्टूडेंट कह सकते हैं सर अगर आप टोपोलॉजी को कह रहे हैं स्टडी ऑफ शेप्स और इसी तरह ज्योमेट्री भी हमारे पास होती है स्टडी ऑफ शेप्स, तो फिर आप ये भी कह रहे हैं टोपोलॉजी ज्योमेट्री नहीं है, तो फिर डिफरेंस क्या है? तो चले इंशाल्लाह जल्द मैं आपको इसका डिफरेंस भी बताता हूं। अच्छा, ज्योमेट्री में हम क्या काम करते हैं स्टूडेंट्स? ज्योमेट्री में जो हमारा बेसिक काम होता है वो डिफरेंट शेप्स को एग्जैक्ट उनके मैनर्स के साथ डिस्कस करना होता है। यानी कि हम जब ज्योमेट्री की बात करते हैं तो हम इसमें डिफरेंट प्रॉपर्टीज को भी कंसर्न करते हैं। प्रॉपर्टीज सच एज हम देखते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है, उसकी एब्सोल्यूट पोजिशन क्या है, और इसी तरह उसका डिस्टेंस क्या है डिफरेंट एंगल्स के दरमियान, और इसी तरह उसकी आप एंगल्स को मद्देनजर रखते हैं।
ज्योमेट्री में, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट है ना मिसाल के तौर पर, अब अगर ज्योमेट्री की बात करें, आप ये कहते हैं कि सर ये एक सर्कल है और ये एक स्केयर होगा, ठीक है, इसी तरह ये एक रेक्टेंगल है, तो ये अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्री तीन डिफरेंट शेप्स हैं। क्यों? क्योंकि आप ज्योमेट्री में डिफरेंट प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं, उनकी एब्सोल्यूट पोजीशन को डिस्कस करते हैं शेप्स की, और उनके डिफरेंट एंगल्स को शेप डिस्कस करते हैं। तो अगर हम अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्री देखें तो ये हमारे पास तीन डिफरेंट शेप्स हैं, लेकिन टोपोलॉजी में हमारा काम क्या होता है, ज्योमेट्री में भी हम शेप्स को ही डिस्कस करते हैं, लेकिन शेप्स में इस तरह डिस्कशन की जाती है कि हम उनके पोजीशन, उनके डिस्टेंस, उनके एंगल्स, उनके एब्सोल्यूट वैल्यूज और उनके डिफरेंट कैटेगरीज को भी डिस्कस करते हैं, लेकिन टोपोलॉजी में हमारा काम क्या होता है, टोपोलॉजी में डिस्कस हम शेप ही करते हैं, लेकिन हम इसमें निग्लेक्ट कर देते हैं या नजरअंदाज कर देते हैं उसकी पोजीशन को, उनके एंगल्स को, शेप्स के एंगल्स को, इसी तरह उनके एब्सोल्यूट वैल्यूज को और बाकी जितनी भी उसकी प्रॉपर्टीज होती हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ शेप, हम इनको निग्लेक्ट कर देते हैं टोपोलॉजी में। अब क्या मतलब हुआ इस बात का, इस बात का अगर क्या मतलब है, मैं आपको ये समझाता हूं। इस बात का मतलब यह है कि जब आप टोपोलॉजी डिस्कस कर रहे होंगे तो टोपोलॉजिस्ट एक फिजिकल प्रॉपर्टी को चेक करते हैं। अब अकॉर्डिंग टू टोपोलॉजी ये एक सर्कल है, सिमिलरली ये एक स्केयर है अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्री, सिमिलरली ये एक कर्ली सा, एक कोई सा कर्ली से एक आपके पास डायग्राम है, सिमिलरली ये आपके पास ट्रायंगल है। टोपोलॉजी में ये तीनों चीजें, ये चारों चीजें आपस में होमोमॉर्फिक हैं, मतलब इनमें सेम चेंज है। क्या मतलब हुआ, टोपोलॉजी में जस्ट हम शेप्स की बेसिक प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं। क्या मतलब है, अब देखें सर्कल में भी कितने होल है, एक ये रेक्टेंगल है, बेसिकली स्केयर ये होगा हमारे पास, स्केयर में भी कितने होल है, एक, अब इस शेप में भी कितने होल है, एक, इस रेक्टेंगल में मैं यहां पर बना देता हूं, ये सॉरी ट्रायंगल है, इसमें भी कितने शेप्स हैं, इसमें भी कितने होल हैं, एक। तो अकॉर्डिंग टू टोपोलॉजी हम जस्ट ऑब्जेक्ट्स की फिजिकल या एक बेसिक प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं जिसमें कि हम उनको एक जैसा या सिमिलर देख सकते हैं, यानी टोपोलॉजी का काम ये होता है कि जस्ट बेसिक प्रॉपर्टीज को मद्देनजर रखना। अब देखिये वैसे अगर अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्री देखा जाए तो ये सर्कल डिफरेंट है इस शेप से, इसी तरह ये शेप डिफरेंट है इस शेप से, सिमिलरली ये शेप डिफरेंट है इस शेप से, लेकिन अगर आप टोपोलॉजिस्ट हैं तो टोपोलॉजी में इस चीज को मद्देनजर नहीं रखा जाता, बल्कि इस चीज को इग्नोर किया जाता है और जस्ट बेसिक और ओरिजिनल प्रॉपर्टी को देखा जाता है कि इसकी कोई सिमिलैरिटी है इसके साथ, बिल्कुल है। अब देखें इस शेप में भी एक होल है, इस शेप में भी एक होल है अकॉर्डिंग टू टोपोलॉजी, इसमें भी एक होल है, इसमें भी एक होल है, तो ये तमाम चीजें एक दूसरे के होमोमॉर्फिक हैं, या आप दूसरे अल्फाज में ये कह सकते हैं कि ये तमाम चीजें एक ही हैं अगर आप टोपोलॉजी में डिस्कस कर रहे हैं। तो आप टोपोलॉजी को कुछ किसी हद तक समझ गए होंगे, यहां पर मैं आपको टोपोलॉजी की डेफिनेशन देता हूं। टोपोलॉजी, टोपोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स Mathematics that deals with specific property of geometric object या geometric objects like या geometric shapes, आप objects की जगह shapes भी लिख सकते हैं, shapes that remain same no matter how much
द शेप्स आर बेंट ट्विस्टेड स्ट्रेच और डिफॉर्म बट टियरिंग एंड ग्लूइंग इज नॉट अलाउड क्या मतलब हुआ अब इस बात का, मैं आपको अगेन समझाता हूं जस्ट। अब टोपोलॉजी का मतलब ये है, टोपोलॉजी आपको ये कहती है, टोपोलॉजी बेसिकली आपको ये कहती है कि आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट हो, आप उसको खींचें, आप उसको मरोड़ें, या आप उसको जो मर्जी कर लें, अगर उसकी बेसिक प्रॉपर्टी सेम रहती है तो वो तमाम ऑब्जेक्ट सेम हो गए। अब ये देख लें, आप इसको जितना खींच लें एक सर्कल ही रहेगा। अब इस तरह ये देखें, ये भी आपके पास एक सर्कल की टाइप है, अगर आप इस चीज को खींच के यहां पे लें तो दोबारा सर्कल बन जाएगा। सिमिलरली ये भी आपके पास एक, अब इनकी बेसिक प्रॉपर्टी क्या सेम है, ये देखें, इसमें एक होल है, इसमें एक होल है, जैसे मैं पहले बता चुका, इसमें भी एक होल है, इसमें भी एक होल है, इसमें भी एक होल है, तो अकॉर्डिंग टू टोपोलॉजी ये तमाम ऑब्जेक्ट्स सेम होंगे। अच्छा, अब ये डिफरेंट कब होंगे, अगर कोई इस तरह करता है कि सर्कल को दो हिस्सों में कट कर देता है तो ये डिफरेंट चीज हो जाएगी। और इसी तरह अगर कोई ये करता है कि सर्कल में कोई और चीज ग्लूइंग कर देता है, यानी कि कोई और चीज इन्वॉल्व कर देता है, तब भी उस सूरत में ये दोनों चीजें, ये सारी की सारी शेप्स डिफरेंट हो जाएंगी। यानी टोपोलॉजी में या टोपोलॉजिस्ट कहते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो, अगर आप उसको खींचें, आप उसको तोड़ें, उसको मरोड़ें, लेकिन उसको कट ना तोड़े, सॉरी तोड़ने में नहीं आएगा, अगर आप उसको किसी भी तरह के किसी भी तरह से उसको मोड़ लें, या आप उसको खींचें, या आप जो भी मर्जी कर लें, अगर उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी या बेसिक प्रॉपर्टी सेम रहे तो टोपोलॉजी के मुताबिक ये एक ही चीज है, लेकिन आपने किसी चीज को कट नहीं करना और किसी चीज में किसी चीज का एडिटिंग नहीं करनी। इसके अलावा अगर कोई ऑब्जेक्ट उसको जो मर्जी कर लें और उसकी प्रॉपर्टी सेम रह जाए तो आप इसको टोपोलॉजी में डिस्कस करते हैं, आप इसको कहते हैं ये इनकी सेम टोपोलॉजी है। अब सेम टोपोलॉजिकल जो ऑब्जेक्ट होते हैं उसको कहते हैं टोपोलॉजिकल स्पेस, टोपोलॉजिकल स्पेस। अब ये जितने ऑब्जेक्ट हैं आप इनको इकट्ठा कर लें, ये एक टोपोलॉजिकल स्पेस में चले गए, इसी तरह ये हो गया और इसी तरह ये हो गया, कुछ और भी ऑब्जेक्ट आ सकते हैं क्योंकि इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, सेम होती है। तो ये हो गई हमारे पास डिस्कशन डियर स्टूडेंट्स टोपोलॉजी की। अच्छा, टोपोलॉजी का फायदा क्या है, बेसिकली ये जो टोपोलॉजी है डियर स्टूडेंट, ये जो टोपोलॉजी है आपके पास, टोपोलॉजी नंबर वन, इट इज अ स्टडी ऑफ ज्योमेट्रिक ऑब्जेक्ट, या टोपोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ज्योमेट्रिक ऑब्जेक्ट्स। दूसरी बात, इट इज द प्लेटफॉर्म टू स्टडी द ज्योमेट्रिक ऑब्जेक्ट, टू स्टडी ज्योमेट्रिक ऑब्जेक्ट्स। मतलब क्या है, अब देखें, अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्री, मैं आगे मजीद बताऊं, अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्री ये एक शेप है, ये कर्व है, और ये आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है। अब अगर आप ज्योमेट्री के थ्रू डिस्कस करते हैं, ये बोथ आर डिफरेंट, बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। लेकिन अगर आप टोपोलॉजिस्ट हैं, टोपोलॉजी में ये बोथ आर सेम, टोपोलॉजी वाले कहते हैं ये भी एक लाइन है, तो ये थोड़ी सी लाइन मुड़ी हुई है, तो ये भी लाइन है, हाँ अगर इस पे कट कर देंगे तब ये डिफरेंट हो जाएंगे। तो ये है आपके पास टोपोलॉजी। इसी तरह आप यहाँ पे शो हो रहा होगा, आपके पास एक कॉफी मग है, कॉफी मग, उसकी कंटिन्यूसली डिफॉर्मेशन हो रही है, और वो देखें आपके पास एक डोनट में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये कंटिन्यूसली डिफॉर्मेशन कहलाता है, या ये भी बेसिकली आपके पास टोपोलॉजी है। अब देखें, कॉफी मग में भी एक होल है बेसिकली, और आपके पास यहाँ पे ये जो डोनट है इसमें भी एक होल है,
दैट इज कॉल्ड टोपोलॉजी। इसका मतलब ये है टोपोलॉजिस्ट के नजदीक डोनट में और कॉफी मग में कोई डिफरेंस नहीं, बिकॉज उसकी भी बेसिक प्रॉपर्टीज सेम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि टोपोलॉजी में किसी भी ऑब्जेक्ट को आप खींच सकते हैं, आप उसको मोड़ सकते हैं, आप उसके साथ किसी भी उसका एंगल को चेंज कर सकते हैं, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका मतलब यह है कि टोपोलॉजी का कोई निकनेम भी तो होगा। तो इसका डियर स्टूडेंट टोपोलॉजी का एक निकनेम भी है, और इसका निकनेम है शीट ज्योमेट्री या रबर शीट ज्योमेट्री, रबर शीट ज्योमेट्री। ये है बेसिकली आपके पास टोपोलॉजी का निकनेम। अच्छा, अब हम डिस्कस करते हैं टोपोलॉजी की टाइप्स को। या टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी, टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी की बेसिकली जो टाइप्स हैं डियर स्टूडेंट्स, एक है उसमें अलजेब्रिक टोपोलॉजी, टोपोलॉजी दूसरा है आपके पास ज्योमेट्रिक टोपोलॉजी, थर्ड है हमारे पास डिफरेंशियल ज्योमेट्री, डिफरेंशियल टोपोलॉजी सॉरी डिफरेंशियल टोपोलॉजी, और है हमारे पास जनरल टोपोलॉजी। जनरल टोपोलॉजी इसको बेसिकली कहा जाता है पॉइंट टोपोलॉजी, टोपोलॉजी ओके। अच्छा, अब हम डियर स्टूडेंट डिस्कस करते हैं एप्लीकेशन ऑफ टोपोलॉजी और यूजेस ऑफ टोपोलॉजी। या फिर यूजेस ऑफ टोपोलॉजी, ये जो टोपोलॉजी है बेसिकली इसको यूज किया जाता है नेटवर्क साइंस में। अब इसकी भी मैं आगे आपको डिफरेंस बता देता हूं उसके बाद इसका। अच्छा, एक एक अहम क्वेश्चन जो कि हम मैं यहां पे आपको बताता चलूं, आपने मैंने आपको पहले बताया होगा शायद कि फॉर एग्जांपल टोपोलॉजी है, इनमें अकॉर्डिंग टू टोपोलॉजी हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट होता है उसमें कोई मसला नहीं है। मतलब हम कहते हैं ना टोपोलॉजी के अकॉर्डिंग, अगर ये कोई सर्कल है आप इसको मोड़ दें, ये स्क्वायर ये भी एक सर्कल की टाइप रहेगी, इसी तरह ये भी एक सर्कल की टाइप रहेगी, या इसी तरह ये एक सर्कल की टाइप रहेगी, इसी तरह कुछ और कर लेंगे ये भी एक सर्कल रहेगा। सवाल यहाँ पे आता है इसका हमें फायदा क्या है। मैं उसी फायदे के तौर पर पहले तो आपको ये बता रहा हूं कि टोपोलॉजी की एप्लीकेशन है नेटवर्क साइंस में। अब जो दूसरी इसकी एप्लीकेशन है वो बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, और वही इसके फायदे को बता रही है कि आपके पास फायदा क्या है। अब आपके पास ये यूनिवर्स में डिफरेंट स्टार्स जो हैं वो डिफॉर्मेट हो रहे हैं, यूनिवर्स में डिफरेंट स्टार्स जो है उनकी डिफॉर्मेशन होती है। अब अगर आप टोपोलॉजिस्ट नहीं हैं और आपको टोपोलॉजी की हेल्प नहीं मिली, ये बड़ी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है टोपोलॉजी की, तो आप किसी स्टार को इग्नोर भी कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कोई स्टार का टुकड़ा टूटा, आप कहेंगे ये एक डिफरेंट चीज है, लेकिन अगर आप टोपोलॉजिस्ट होंगे या टोपोलॉजी आपकी हेल्प करेगी तो आप देखेंगे कि बेसिक प्रॉपर्टीज क्या सेम है। ये आपको शो भी हो रहा होगा, आप डिफरेंट किस्म के ये स्टार हैं, तो आप देख सकते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट स्टार को अगर आप टोपोलॉजिस्ट हैं तो आप सेम समझेंगे, यानी आपके अकॉर्डिंग वो एक ही चीज है, क्योंकि उनमें जो बेसिक प्रॉपर्टीज हैं वो सेम होगी। तो ये किस चीज ने दिया आपको इसके बारे में ये एक्सप्लेन किया, आपको इसके बारे में एक्सप्लेन किया है टोपोलॉजी के बारे में, टोपोलॉजी ने जी आपकी हेल्प करती तो तभी आप बता सकते हैं कि ये आपके पास सेम टाइप के स्टार्स हैं। अच्छा, थर्ड एप्लीकेशन है हमारे पास 3D एनिमेशन या 3D ऑब्जेक्ट्स में। अब ये जो 3D डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं इनकी बेसिक प्रॉपर्टीज को मद्देनजर रख के कहा जाता है कि ये सारे के सारे सेम है, और ये चीज किसने बताई आपको, ये भी आपको बताया है टोपोलॉजी ने। अच्छा, मैंने आपको कहा था अभी डेटा साइंस के बारे में डियर स्टूडेंट, ये जो नेटवर्क साइंस वाली है एप्लीकेशन मैंने अभी आपको बताई थी टोपोलॉजी की, वो नेटवर्क साइंस। अब इसमें नेटवर्क साइंस में काम ये होता है कि आपने देखना होता है अकॉर्डिंग टू टोपोलॉजी हाउ द डिवाइसेस आर कनेक्टेड, यानी ये डिवाइसेस कैसे कनेक्टेड हो रही हैं, डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू ईच अदर, कनेक्टेड टू
each other. अब इसमें भी डिफरेंट टोपोलॉजीज की टाइप्स बन जाती है. एक बनती है हमारे पास मेश टोपोलॉजी, एक होती है उसमें हमारे पास तार टोपोलॉजी, एक हमारे पास होती है बस टोपोलॉजी, एक हमारे पास होती है रिंग टोपोलॉजी, और एक हमारे पास होती है हाइब्रिड टोपोलॉजी. तो ये सारी की सारी एप्लीकेशन है टोपोलॉजी की. तो डियर स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे टोपोलॉजी का एक मैं आपको ओवरव्यू देता चलूँ. टोपोलॉजी क्या है? नंबर वन, टोपोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट्स या स्टडी ऑफ शेप्स, स्टडी ऑफ शेप्स. अब इसमें हमने शेप्स की कैसे स्टडी करनी होती है? नंबर टू, जस्ट हमने बेसिक प्रॉपर्टी को देखना होता है, बेसिक प्रॉपर्टीज. अब उसके लिए हमारे बेस्ट एप्लीकेशन क्या आ गई? यूनिवर्स, स्टार्स, ठीक है. अच्छा, उसके बाद हमने देखा है टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी, टोपोलॉजी की कौन कौन सी टाइप्स हैं. इसके बाद हमने देखा है एप्लीकेशन ऑफ टोपोलॉजी, एप्लीकेशन ऑफ टोपोलॉजी. तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में इतना ही. इंशाल्लाह अज़्ज़ोजल, अगर आप मैथमेटिक्स को सही तरीके से सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ कनेक्टेड रहिए. इंशाल्लाह अज़्ज़ोजल, नेक्स्ट लेक्चर में आपको रिकमेंडेड बुक्स और टॉपिक्स के बारे में बताऊंगा. और इसी तरह अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या नीचे लिंक में गिवन हमारा मेल एड्रेस है उस पर मेल कर सकते हैं, या हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज. अल्लाह हाफिज़.